नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे लावा से लड्डू और बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनकर तैयार होंगे, जिसे खीली भी कहते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, और रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर देसी घी डाला है। देसी घी गर्म हो गया है तो लावा को अब हम डाल देंगे। बहुत जगह इसको खीली भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे लावा कहते हैं, इसलिए अब हम इसे मीडियम आंच में इस तरह से गर्म कर लेंगे, यानी हल्का सा भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसी तरह से हम इसे धीमी आंच में भूनते रहेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे और फिर से पैन रख लेंगे। वन टीस्पून हमने यहाँ पे देसी घी फिर से डाला है, और 3 से 4 काजू लिए हैं, 4 से 5 बादाम, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे किशमिश ली है। इन सारी चीज़ों को हम गरम कर लेते हैं। गरम करने से मेवा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इनको कच्चे भी आप डाल सकते हैं। और देखिए, किशमिश हल्की सी फूल गई हैं, मेवे भी हल्के लाल हो गए हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है, और इसमें हमने जो लावा भूंज के रखा है उसे हम डालकर पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन इसे नहीं पीसेंगे हम, हल्का सा इसे दरदरा रखेंगे, और जितना जार में लावा आएगा उतना हम डाल देंगे। और देखिए, हमने इसे इस तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए, बहुत ही बढ़िया ये पीस कर तैयार हो गया है। आप थोड़ा महीन या थोड़ा मोटा अपने हिसाब से भी पीस सकते हैं। और मेवा भी हमने निकाल लिया है, तो उसी पैन में हम डाल देंगे 1/2 कप चीनी। चीनी भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/2 कप ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। और देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है, तो हमें इसकी चिपचिपी चाशनी बनानी है, तार वाली नहीं बनानी है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे, हल्की सी चिपचिपी ये लग रही है, बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है। अब जो मुरमुरा हमने भूज के रखा है लावा, उसे डाल देते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। और जो मेवा हमें तले थे उनको हमने काट लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। और 2 मिनट के लिए फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। और सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, और चाशनी भी हमारी सूखी सूखी दिखने लगी है। तो अब हम इसे इतना ही पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। बंद गैस में ही हम 2 मिनट के लिए इसे चलाते रहेंगे इस तरह से, क्योंकि पैन हमारा गर्म है तो ये अच्छे से मिल जाएगा। इसे हल्का ठंडा करने रख देते हैं। और अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। ये गर्म नहीं है, बस हल्का सा गर्म है। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। और देखें, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इन लड्डू को बनाने में, ना ही ये बिखरेंगे।
और रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।